विक्रम जी, तो आज था संडे, तमने बेरा है, मैं पीछे के व्लॉग डालने लग रही हूँ। 2-3 दिन बीच में आपने गैप दे दिया था, उसकी वजह से उठ लिए थे और उठ दिया आदत है सब की, एक एक गिलास गर्म पानी पीने की। लेकिन मोहित अब तक सोता था, मैंने पुच्ची तैयार करा, मखा पुच्ची जल्दी ठा गया मोहित ने, पुच्ची और चाचा का भी कसूता लाडो रहा, मसाए पुच्ची कमरे का भीतर गए, फिर तो इसने जमा कटिया कर दिया मोहित का। मोहित उठ के इसका गला बोलिया नहीं, इतने कदे इसका काना के बुड़के भरे हैं, कदे बाला का बुड़के भरे हैं, आखिरकार सारे उठ चुके थे। चाची अपनी चाय बनाने लग रही थी और चाची ने दिखाया जमारती मैजिकल गुड़। केसेज में क्या, अगर आप गुड़ पहली गिर दे तो चाय फट जाए अगर, लेकिन यो गुड़ चाची स्पेशली मैम ते लेके आई थी, और इसने कद्दे गिर लो चाहे चा ने पाछा रांध लो, चा नहीं पाटेगी। साथ सवेरे सवेरे इतना माल था खान का, मोहित का तो जमा जीरा जी हो गया। सारे ने इंजॉय करी बैठ के चाय, और उसके बाद साथ साथ प्लान करे की आज पूरे दिन के करेंगे। तो चाचा ने कही बेटा ले, पुच्ची ने तो जमा बीच में गोडे लाने लाने चाहे कोई की मैं खांदा हो चाहे पिंदा, और चाचा बोले बेटा आज संडे है, भरपूर खाने का इंजॉय लेवांगे पूरे दिन। मेरे याद आवे की मेरी सारी कंसल्टेशन बाकी है जो संडे की थी वो मैंने करनी थी, तो सुबह सुबह सारा काम निपटा दिया। हमारी होम्योपैथिक दवाई है जस्टिशिया मदर टिंचर, अगर किसी का खांसी की बहुत ज्यादा दिक्कत है तो उन खातर बहुत अच्छी दवाई है। यार लिकड़ के देखा तो चाचा ने आड़ा सेटअप करना शुरू कर दिया था, मगर चाचा आज के प्लान है, बोला बेटा आप आज आउटडोर चाय बनावांगे, बहुत बढ़िया जाडे आ गए हैं, चाय बिना भी कोई जीना नहीं। तो चाचा की कुर्सी का सुती पसंद आ रही है, डीकैथलोन में तो लेके आए थे चाचा चाची, मैं भी कदे जाऊंगी चंडीगढ़ साइड तो पक्का लेके आऊंगी। देखो आड़े हरी घास खान लग रहा है, मैंने न्यूज सुनी है की कुत्ते ने जब अपना पेट साफ करना हो तो ये घास खा के उल्टी करा करे। अपना चाय का सारा प्रोग्राम रेडी कर दिया है और पानी चढ़ा दिया है चाय खातर, टेबल पे मैं सारी चीज धरी है जो चाय में डाल ली है, अदरक काली मिर्च लौंग और मैंने एक आधी चीजा नाम बेरा गोनी खातर यो सोटा भी धरा हाड़ है। हमारा बाबा आज है मेन, हमारा रसोईया जो कि आज चाय बना के पियागा सारे ने। एक बात है चाय चाहे किसी बनियो इस केटल में या चाय बन दी देखिए जमा जी सा रहे हैं। चाय का प्रोग्राम लगभग खत्म होने वाला है, बहुत बढ़िया चाय बनाई हमारे बाबा ने, वैसे तो यो सारी चीज घनी बढ़िया बनाया अगर ईब चाचा ने बोला बेटा लंच करांगे बहुत बढ़िया। तो हमारा प्लान था कि हम लंच कितने बाहर करके आओगे बढ़िया वीकेंड मनाओगे, लेकिन चाची ने बोली ना बेटा मैं घर ने इतने बड़ी आलू के पराठे खुआऊंगी तारे होटल भी फेल हो जाएंगे सारे। तो आलू के पराठे की बात आवे तो उसके साथ में मक्खन का होना भी बहुत जरूरी है, इन दोनों का तो जो कसुत्ता मेड़ो है। चाची ने जो मड़ाई दर रखी थी उसका फटाफट मक्खन बना दिया, दूसरी साइड आलू वाले टेक दिए थे। चाची बताने लग रही है की जो लस्सी बची है पीने जोगी को नहीं, क्योंकि मड़ाई 3-4 दिन की होगी तो यह लस्सी का टेस्ट जमा बढ़िया कौन पावे। हमारे सारे उबल गए थे, पहले इनका छिलका उतारा लेकिन कसुत्ते उबलन लग रहे थे जमा बुंडा जड़ा था इन, तो चाची ने कटोरी ली और उससे सारे मैश करे। हमने बेरा है, हमने सारे ने खाने का कितना शौक है, चाचा ने तो खासकर चाचा पर जमा सबर नहीं हो रहा था, बोला मैं बनवा दूंगा कि मैं तू परांठे बनाने शुरू कर दे। भी थोड़ी सी एक्टिंग करी किचन में, इधर उधर बर्तना का हाथ लगाया कि मैं भी काम करवाने लग रहा हूँ। आलू के पराठे बनने लग रहे थे, सारे जमा मुंह पनाई बैठे थे, जल्दी सी आ जाए जमा सोड़ सी भर लिया इनका गल्ला। भी लोग मेरा व्लॉग देखे जिन्हें इतने प्यारे प्यारे कमेंट करे, इतना सपोर्ट करे मेरा, उनका दिल से धन्यवाद है। और प्लीज व्लॉग ने शेयर जरूर कर दियो, ताकि जो भी मेरे दर्शक थे पुराने जिनके पास अब तक यह न्यूज कौन पहुंची उन तक भी व्लॉग पहुंच जाए। आलू के पराठे बन के रेडी हो गए थे, लेकिन मैंने ऑयली फ्राइड खाना छोड़ रखा है, तो मैंने चाची थी गई मेरी तो एक रोटी बना दियो। चाचा यह क्या की सब्जी है? सब्जी कौन बेटाया, इसके अंदर ना बड़ा प्यार मिला हुआ, एक्सपेरिमेंट है बहुत ही बारा। कोशिश करी थी भाई हमारी को ना कढ़ी बनाई जाए, कढ़ी का प्लान कर लिया, इतने में एक भाई पलक देगा गणिये कटी कटाई मकई भी खराब जागी, कढ़ी वाला मसाला वहां पलक मिला दी। अच्छा। ना तो या कढ़ी ना या पलक, खाने के बाद इसका नाम धरांगे के जुगाड़ है। अचार कह के इसकी तोहिन ना कर गाली पे है, ये तो है मसालेदार चटाकेदार भूख को बढ़ाने वाला आग को जगाने वाला कंपेनियन परांठा का नाम इसका भी खाने के बाद इधर आ गया। सारे ने सोड़ सी भर ली थी, उसके बाद 1.5 घंटा सोने का जोटा मारा, उठ दिया चाची ने चाय बना ली क्योंकि हमने कैथल खातर वापस लिकड़ना था। आनंद ने सवेरे 7 बजे के लिए नहीं खोलना है, मेरा तो लेट हो गया इसलिए हमने जल्दी लिकड़ना पड़ेगा आज। और पुची का जमा जी कौन था चाचा ने छोड़ की जान का लिकड़न लगे थे, चलते टाइम चाची ने सबकी मान करी और वाह चाचा वाली बात है, ना तो अपना है कौन। मोहित ने तो बड़ा शक की निगाह तो देखा है, नोट पहले चेक करा कदे नकली तो ना पकड़ा दिया है। चाचा चाची ने बाय करके हम लिकड़ लिया कैथल का, तो लगभग 8 बजे हम घर ने पहुंच लिया। तो चलो जी जयराम जी की आज का व्लॉग आड़े खत्म करा, अपना प्यार सपोर्ट न्यू बनाई रखी और व्लॉग ने शेयर जरूर करियो। मैंने भी कल कमेंट आ रहे थे उनका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं सब कमेंट के रिप्लाई तो कौन कर पाई लेकिन मैंने सबके कमेंट पढ़े थे और जमा दिल खुश हो गया मेरा कमेंट पढ़ की।